अच्छा, अब आप देखिए, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये जो मेरी राइटिंग सेक्शन की बुक है उसका ये चैप्टर 1 है, जिसमें कट ऑफ और सब बताया जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब वो वीडियो भी अपलोड है कट ऑफ वाला। अब कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए वो मैं बता रही हूँ। देखिए, आपके पास ये 6 सेक्शंस है। मैंने आप लोगों को अभी लास्ट वीडियो में बोला है, सबसे पहले ग्रामर अटेम्प्ट करो। ग्रामर जो है आपका 10 मिनट में या ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट में खत्म हो जाएगा। ओके, सबसे पहले ग्रामर अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लेगा। ओके, इसका मैं स्टेप है ना, मैंने जो यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव इंग्लिश बाय रश्मि, उसमें जो प्लेलिस्ट में जाओ, जो भी आपको सर्च करना वीडियोस प्लेलिस्ट के थ्रू करोगे तो बेटर रहेगा। प्रीवियस का सर्च करना प्लेलिस्ट में देखो, आपको प्लेलिस्ट दिखेगा 2024 राइटिंग सेक्शन बैच, तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का थ्योरी पार्ट का वीडियो है, सिंपल एंड शॉर्ट ट्रिक करके। उसमें किस तरह से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना चाहिए वो मैंने बताया है, तो 20 मिनट लेगा। ओके, तो सेकेंड जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी सबसे पहले क्वेश्चन देख लो। तो क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ना एक एक लाइन का, तो उसी से पता चल जाएगा पैसेज किसके बारे में। तो जब पैसेज रीड करोगे ना, तो जो रीडिंग स्पीड भी आपकी अच्छी रहेगी और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रहेगी, क्योंकि बिफोर रीडिंग द पैसेज यू कम टू नो कि व्हाट ऑल दैट पैसेज इज ऑल अबाउट। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन से ही समझ लिया, राइट? तो इसका भी थोड़ा सा हम कर सकते हैं, एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैसे हमें कहाँ से समझना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन भी कैसे समझना चाहिए। ओके, फाइन। अच्छा, अब उसके बाद आपका 10 मिनट ग्रामर, 20 मिनट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 30 मिनट्स में आपका ये दोनों हो जाएगा। ग्रामर में आप चाह सकते हो तो 20 भी स्कोर कर सकते हो, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 13 से 16, मैं बता रही हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 18 भी आ सकता है आराम से। मगर स्टूडेंट्स इतने केयरलेस होते हैं, नहीं ला पाते, मगर आ सकता आराम से। ओके, अच्छा, अब उसके बाद जो प्रेसी है उसको आपको एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ओके, और इसका प्रेसी का देखो मार्क्स वेटेज कितना कम है, 15। आप देखो सबका बहुत ज्यादा ज्यादा है, सिर्फ इसी का इतना कम है, तो हम इतना क्यों माथा पच्ची करें इसमें? ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट भी रहो। ठीक है, इसको आराम से लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ये स्कोरिंग भी नहीं है, ये डिफिकल्ट भी है, ये बहुत टाइम भी लेता है अटेम्प्ट करने में, तो इसका ना आउटपुट है ना हम लोगों को ज्यादा नहीं मिलने वाला है। ओके, तो इसीलिए आप है ना, और थर्ड, और सोचो कितना टाइम लेता है, 30 मिनट, और आएगा कितना? बहुत अच्छा प्रेसी लिखा है तो 10 आ जाएगा, उससे ज्यादा एग्जामिनर देगा भी नहीं। ओके, तो प्रेसी एकदम लास्ट में अटेम्प्ट करना। अब रही बात ऐसे की आर्गुमेंट की रिपोर्ट की, तो जो आपको सबसे फेमिलियर क्वेश्चन है सबसे पहले वो अटेम्प्ट करोगे, चाहे वो ऐसे हो, रिपोर्ट हो, आर्गुमेंट हो। ठीक है, अब पूरा एसे को कंप्लीट करने में आपको 1 घंटा 10 मिनट लगना चाहिए पूरा, यानी 1 घंटा 10 मिनट लग रहा है, तो एक एसे आप 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट के बीच में एक एसे आपको करना है। ओके, और जो आर्गुमेंट है, एक आर्गुमेंट आपको 15 मिनट में सॉल्व करना है, एक रिपोर्ट है आपको 10 मिनट में सॉल्व करना। और रिपोर्ट बहुत आसान होता है, उसका फिक्स स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, तो रिपोर्ट में आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। फाइन, तो आपको बात समझ में आ रही? तो ये वाला आप इसका स्क्रीनशॉट रख लो, जिसके पास बुक नहीं है तो ये स्क्रीनशॉट रखेंगे, तो आप ना टाइम का ट्रैक जरूर से रखना, बहुत जरूरी है। अब मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। एमएट का एग्जाम देने गई तो क्या हुआ, मेरा जो वॉच है उसमें पानी आ गया, बहुत बारिश बारिश हो रही थी, तो बहुत पानी वॉच में आ गया, और मुझे पता नहीं चला कि मेरी घड़ी रुक गई है। आप बिलीव करो क्या हुआ होगा मेरे साथ, मतलब मैं वॉच देख देख कर, मैं ना बहुत टाइम का ट्रैक बहुत रखती थी, मेरे को ये आदत थी शुरू से कि मेरा पेपर नहीं मिस होना चाहिए। ठीक है, तो वो टाइम का ट्रैक तब रखो ना जब रिस्ट वॉच ही सही चल रहा हो। मेरा पूरा पेपर वो खराब हो गया, मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मेरा क्या नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था, इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया था, मतलब आंखों से आंसू आ गए थे, ऐसी हालत हो गई थी, क्योंकि मेरी घड़ी रुक गई थी। और इन्विलेटर ऐसा था कि टाइम भी नहीं बता रहा है, जब 15 मिनट बाकी था तब बोला 15 मिनट, इन 15 मिनट्स इज, मैंने कहा हो क्या रहा है, इमेजिन।
तो आपका वॉच जो है ना इंजुलेटर के टाइम से मैच भी कर लो, जो वॉच का टाइम है ना इंजुलेटर के टाइम से मैच कर लो, देख लो घड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है, और देखो एक ऐसे आपका कितनी देर में खत्म हुआ है, ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, और आप आराम से पेपर मैनेज कर पाओगे। फाइन, अब मुझे बताइए, अब मैं ना एक क्वेरी ले लेती हूँ, ठीक है? अब देखिए अक्षत ने पूछा है कि ब्रेनस्टॉर्म कैसे करना चाहिए, तो हम बात करते हैं इसके बारे में, ब्रेनस्टॉर्म के बारे में। तो मैं क्वेश्चन कोई ले लेती हूँ, इसमें हम ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का हम ले सकते हैं क्वेश्चन, देखती हूँ मैं प्रीवियस ईयर का ले लेती हूँ, फिर हम उसमें ना ब्रेनस्टॉर्म करना सीखेंगे, या हम ना ये वाला ब्रेन स्टॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका एक अलग ही वीडियो बना लेती हूँ, बेटर रहेगा।